आपके घर में किसको वोट दे रहे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, विकास तो गुणात्मक ढंग से हुआ ही है, किसानों को मिला है, बेरोजगार नौजवानों को जो भी मिला है। मोदी जी तो 400 बोले, नीतीश जी तो बोले 4000 पार लाएंगे। मोदी का वोट है, टीका गोपनीय है, वोट गोपनीय है, कोई किसी के बारे में पता नहीं सकता ये कौन कहाँ वोट दे रहा है। The road to 2024, which is today the road to Chhapra, to Saran. This is Bihar, this is rural Bihar, and a very interesting battle is playing itself out here. Bihar, of course, one of those states that is voting in every single phase. So what is going to happen is up for grabs. Now, remember when the JDU left the India Alliance and went across to the BJP, everyone said this is it, the story of Bihar is over. But is it really? We're going to find out. We're going to be talking to people all across Bihar to get their sense of what's happening. तो यहाँ बिहार में क्या मुद्दे हैं? लोग अगर वोट डालेंगे तो किन किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? चलिए लोग से बात करते हैं, पता लगाते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ बिहार में कौन कौन से मुद्दे हैं खासतौर? बेरोजगारी मुद्दा है। सबसे पहले सर बेरोजगारी है, उसके बाद किसान लोग जो है ना, जो बीजेपी से उब चुके हैं, क्योंकि जो मेहनत करते हैं उसके हिसाब से उनकी मजबूरी नहीं मिल पाती है, इसलिए एकदम उब गए हैं। एक मुद्दा है कि उन लोग कहते हैं कि अनाज देते हैं, फ्री देते हैं, लेकिन वो फ्री देते नहीं हैं। जितने हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो सभी लोग हम लोग पर दमन करते हैं। जाइए राजस्व में, जाइए ब्लॉक में, जाइए कहीं भी जाइए, तो आदमी एकदम उब से परेशान हो रहा है, इसलिए अभी 100% वोट उन्हीं को जाएगा। ये जो हम बात अभी सुन रहे थे स्टेज से कि लोग कह रहे हैं कि अगर कि मोदी जी तो कह रहे हैं कि मुझे 400 सीट चाहिए, यहाँ भी हम लोग सुन रहे थे लोग कह रहे थे कि अगर वो होगा तो संविधान बदला जाएगा, क्या ये भी आपके मन में है, आपके जहन में है? मोदी जी तो 400 बोले, नीतीश जी तो बोले 4000 पार लाएंगे। अब उनसे पूछिए जाकर कि क्या स्थिति है उनका, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है हवा हवाई है। यहाँ से जो JDU के उम्मीदवार हैं, तो JDU के बारे में आप लोग सबका क्या विचार है? JDU के जो उम्मीदवार हैं चिन्ह नहीं करते हैं, कौन उम्मीदवार थे जी? वो ओल्ड उम्मीदवार है, ऐसा नहीं कि न्यू है, लेकिन अभी तक उनका कोई चेहरा नहीं देखा, वो समझिए कि भूमिगत हो चुके हैं एक तरह से जानवाद के लिए। और ये जो देश भर में अभी भी लग रहा है कि अगर आप चुनावी माहौल को देखें, जो सुर्खियों को देखें, तो लग रहा है कि पूरा का पूरा चुनाव एक तरह से हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर चल रहा है। सिर्फ मोदी जी के अंदर है हिंदू मुस्लिम, और किसी पार्टी के अंदर नहीं है। और यहाँ आप कह रहे हैं कि ज्यादातर बेरोजगारी की जो बात ये कर रहे थे, क्या वो मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, क्या क्या मुद्दा है? हमें बेरोजगारी महंगाई दिखाई नहीं दे रहा मोदी जी को, सिर्फ मोदी जी मुद्दे से भटकाने की खाली बात कर रहे हैं, खाली उनको उन्हें तक लालू जी नहीं किए तो उन्हें किए, बस मुद्दा से खाली भटका रहे हैं, महंगाई पर बात नहीं करते हैं मोदी जी, ना रोजगार पर नहीं बात करते हैं, सिर्फ मुद्दा से भटकाने की काम करते हैं पब्लिक को, तो पब्लिक इस पर भटकने वाला नहीं है। अभी जहानाबाद के सांसद चंद्रशेखर जी ने 5 साल हम लोग के गांव जहानाबाद से मात्र 3-4 किलोमीटर बाईपास पर है, आज तक कभी नजर तक नहीं दिए, अब बताइए कौन हिसाब से उसको वोट दिया जाएगा जहानाबाद में? तो आप देख रहे हैं यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, अब देखते हैं। यहाँ जहानाबाद में तो अभी वोटिंग होनी बाकी है, पर यहाँ लोग क्या कह रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे पर ये वोट डालेंगे, वो तो आपने सुनी लिया। ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट इलेक्शंस इज दैट व्हेन यू टॉक टू पीपल ऑन द ग्राउंड एंड यू गेट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस, इट ऑफन डज डिपेंड ऑन वेयर एग्जैक्टली यू आर। वी डिड हियर सम रियली स्ट्रॉन्ग कमेंट्स देयर बीइंग मेड इन जहानाबाद, बट देन देयर वर अ लॉट ऑफ आरजेडी सपोर्टर्स दैट यू कैन मेक आउट देयर। इज इट गोना बी एनी डिफरेंट इन अदर पार्ट्स? वेल, वी आर हेडिंग, एज आई सेड, to Saran. We are heading to talk to Rajiv Pratap Rudi. We'll also talk to some people here to see if they feel the same way. So, Jahanabad mein log kya keh rahe the? Apne suna, aap sunte hain ki kasbon mein kya baat chal rahi hai? Bas Jahanabad se jo team Chhapra aa gaye Patna se, acha yahan bahut sare jhande dekh rahe hain, aapko kya lagta hai yahan kya mudde hain is ilake mein? मोदी का मुद्दा है, आपको क्या लगता है? और लोग मोदी के लिए हम पे वोट दे रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे सर मोदी सरकार के सपोर्टर हैं? यहाँ कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं? विकास का मुद्दा चल रहा है। विकास का मुद्दा मतलब क्या? आप सुन रहे थे दोनों से भी कि
मोदी सरकार जीते जाते हैं लोग तब करे जो भी विकास करेगा वही। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने विकास तो गुणात्मक ढंग से हुआ ही है, किसानों को मिला है, बेरोजगार नौजवानों को जो भी मिला है, व्यवसायी को मिला है, बिजली पानी ये सारे कुछ, सात निश्चय योजना में बिजली पानी सड़क सारे कुछ है, सब कुछ सबको मिल रहा है। तो यहाँ आप कह रहे हैं श्री नीतीश कुमार को भी जाता है और क्या सेंटर में नरेंद्र मोदी को भी जाता है? हाँ निश्चित रूप से जाता है। तो ये जो नीतीश कुमार पहले इंडिया के साथ थे, अब वापस एनडीए में आ गए हैं, तो इसको लेकर वो क्षणिक गठबंधन कभी बीजेपी के साथ कर लेते हैं, कभी आरजेडी के साथ कर लेते हैं, लेकिन निश्चित रूप से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद वो राजद के साथ रहे हों चाहे एनडीए के साथ रहे हों, विकास हुआ है। तो बताइए यहाँ छपरा में जो सारण कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ क्या मुद्दे हैं? यहाँ मुद्दा है, पहला मुद्दा है कि कहीं नाला नहीं है, दूसरा मुद्दा है कि शिक्षा पूरा चौपट हो गई है, मास्टर प्रोफेसर सब लोग बेलगाम हो गए हैं। ये वोट यहाँ का गोपनीय है, टिकट गोपनीय है, टिकट गोपनीय है, वोट गोपनीय है, कोई किसी के बारे में पता नहीं सकता ये कौन कहाँ वोट दे रहा है।